जय हिंद सर। जी सर, जी सर, सर हाँ। जय हिंद सर, जी सर कहते हुए अभी आपने जिस वीडियो को देखा, ये RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स की कांस्टेबल पूजा कुमारी हैं। उनकी गोद में जिस बच्चे को आप देख रहे हैं वो उनका अपना 11 माह का बेटा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा को ये फोन उनकी किसी गलती पर नहीं आया है, ना ही सराहनीय कार्य के लिए आया है, बल्कि ये फोन गोद में खेल रहे इस दुदुमे बच्चे के चक्कर में आया है। ये फोन किसी छोटे मोटे अधिकारी का नहीं, बल्कि बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे का है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से फोन पर हो रही सारी बात सुनाएंगे कि आखिर DGP क्या बात कर रहे हैं, जिससे महिला कांस्टेबल जी सर कर रही है। इससे पहले ये भी जान लीजिए कि आखिर DGP ने उन्हें फोन क्यों किया। गोद में नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर ड्यूटी कर रही जिस महिला कांस्टेबल को आप देख रहे हैं, ये पूजा कुमारी हैं। पूजा कुमारी बिहार के सासाराम नगर में तैनात हैं। पूजा कुमारी लॉकडाउन में लगातार बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी कर रही हैं। कोरोना जैसी महामारी में तेज धूप हो, आंधी तूफान हो या कोई अन्य समस्या, हर परिस्थिति का वे डटकर सामना कर रही हैं। एक माँ होने के नाते 11 माह के मासूम को इस गर्मी और धूल भरी आंधी तूफान में जो समस्या होती है उसे भली भांति समझ रही हैं, लेकिन फर्ज के आगे पूजा ने इसे भी दरकिनार कर दिया। बच्चे को लेकर ड्यूटी कर रही पूजा कुमारी मीडिया की सुर्खियां बन गईं। इसकी जानकारी जब DGP साहब को हुई तो उन्होंने देर नहीं की और उनका नंबर लेकर खुद ही फोन कर डाला। अब आप खुद ही सुन लीजिए फोन पर DGP साहब क्या बात कर रहे हैं और बहुत ही मधुरता और शर्मीले अंदाज में पूजा एक एक कर सभी प्रश्नों का जवाब दे रही है। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे DGP बिहार बोल रहा हूँ। आप पूजा हैं? जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। आप पूजा हैं? जी सर। आप सासाराम में पोस्टेड हैं बेटा? जी सर। तो मैंने न्यूज में पढ़ा और देखा भी कि आप 11 महीने के बच्चे को गोद में लेकर के धूप में खड़ा होकर के ड्यूटी कर रही हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है उतने छोटे बच्चे को लेकर? ड्यूटी तो आप कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, हम बहुत खुश हुए, लेकिन उतने छोटे बच्चे को बेटा धूप में गोद में लेकर के खड़ा होकर के इतना कड़ा ड्यूटी करना, क्या मजबूरी है आपकी? सर कोई मजबूरी नहीं है, लोग रहते हैं मेरे पास, लेकिन लॉकडाउन के चलते लोग किसी काम से चले गए थे। अच्छा। तो इसीलिए मेरे पास कोई नहीं थे। हाँ। तो बच्चे को जी सर, अब बेटा उतने छोटे बच्चे को लेकर के मत जाइएगा और घर में उसको रखिए। दूसरे लोगों को आपने उतनी देखा, आपको काफी मेहनत कर रही थी, लोगों को समझा भी रही थी, कर रही थी, और उतने छोटे बच्चे को धूप में लेकर के खड़ा हमको बहुत ठीक नहीं लगा। बच्चा है ना, धूप में और इन्फेक्शन का भी डर रहता है बच्चे को लेकर बाहर निकलना, अभी ठीक नहीं। अच्छा, लॉकडाउन वहाँ कैसा चल रहा है पूजा? तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोग नहीं चलते हैं सड़क पे, हम लोग अच्छे से ड्यूटी करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप डिस्टेंस बना कर चलिए। तो बेटा ये तो आपको मालूम है ना कि सासाराम में थोड़ा समस्या ज्यादा हो गई है, बहुत सतर्क रहने की, ये सब पता है ना आपको? हाँ सर पता है। अच्छा, वो आपका बेटा, कितने बच्चे हैं आपके बाबू? एक ही है सर। अच्छा ठीक है, और आप रहते हैं सासाराम में ही? हाँ सर, सासाराम में रहते हैं। और पति कहाँ रहते हैं? नालंदा में रहते हैं सर। अच्छा, वो भी पुलिस फोर्स में है? पुलिस फोर्स में नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं है? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, कोई दिक्कत होगा तो पुलिस मुख्यालय तक अपनी बात पहुंचाइएगा तो हम तक पहुंच जाएगी, और हम बहुत, हमको गर्व है बिहार पुलिस की महिला सिपाहियों पर जो इस कठिन परिस्थिति में, इस कड़ी धूप में 24 घंटा काम कर रही हैं। आप जैसे लोगों पर हमको बहुत ही गर्व है, ये बहुत ही शान की बात है बिहार पुलिस के लिए भी, बिहार सरकार के लिए भी। बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने 35% आप लोगों को रिजर्वेशन दिया, और लोगों को लगता था महिलाएं पुलिस में कैसे करेंगी क्या करेंगी, लेकिन आप लोगों ने अपने काम से साबित किया कि आप पुरुषों से कम नहीं है बल्कि बेहतर कर रही हैं। तो मैं आपको केवल आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने फोन किया है। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है? ठीक सर, थैंक यू। और ड्यूटी पूरा जम करके करना है, मेहनत करना है, गरीब बीमार लाचार ये जो हो उनका बहुत ख्याल रखना है,
और एक बात और ध्यान रखना है बेटा कि रोजा शुरू हो गया है, रमजान का महीना है, रोजेदार निकलेंगे उनको हम अलग से अपील कर रहे हैं, कोई समूह बनाकर जत्था बनाकर के न निकले, लेकिन अपने काम से सरकारी नियम कानून के तहत अगर निकलेंगे तो किसी रोजेदार के साथ कोई ऐसा गलत काम न हो जाए, किसी की पिटाई न हो जाए, किसी का अपमान न हो जाए, इस सब पर भी ध्यान रखना है बेटा, ठीक है जी सर। और बाकी खूब मेहनत करिए, अच्छे से काम करिए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरी तरफ से और बहुत बहुत आपको बधाई भी है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं जी। ठीक है पूजा, ठीक है सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। हमारे संवाददाता ने जब पूजा से बात की तो उन्होंने बताया कि डीजीपी साहब का फोन आने के बाद वे गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। सुनिए उन्होंने हमारे संवाददाता को क्या जानकारी दी। साहब का फोन आया क्या? हाँ, आज मेरे पास डीजीपी सर का फोन आया है। मैं बहुत छोटे कर्मचारी सिपाही हूँ, महिला सिपाही हूँ, पोस्टेड हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे इस पुलिस कर्मचारी के सबसे बड़े पदाधिकारी एक महिला सिपाही से बात की और हमारी हाल चाल पूछे हैं, कैसे हैं आप? आपको गर्व हो रहा है? गर्व के साथ? बहुत हमें गर्व हो रहा है कि हमें हमारे सेना के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी एक महिला सिपाही से बात की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।